राम राम दोस्तों। दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। अगर आप देखेंगे यहां पे भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। अब काफी लोग सोचेंगे कि भाई ये तो गैप अप ओपनिंग भी मिल गई, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल गया, सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस भी कर रहा है और काफी बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंटम भी मिल गया। क्या ये पॉजिटिव साइड पोजिशन बनाने की अपॉर्चुनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। फिर काफी लोग सोचेंगे भाई मोमेंटम तो काफी तेज आया है ऊपर की तरफ, किसी ने भी बाइंग किया होगा, प्रीमियम भी बहुत बढ़ गया होगा, क्विक मोमेंटम था, बिल्कुल बढ़ गया होगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ये होते हैं रिस्क। फिर काफी लोग सोचेंगे चलो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यहां से मार्केट गिर गया है, देखो कितना बेहतरीन गिरा है, ये अपॉर्चुनिटी थी, नेगेटिव साइड पोजिशन बना लेते। ना ही ये अपॉर्चुनिटी थी। यही तो मैं आपको सारी चीजें सिखाता हूं भाई। यहां पे आप वीडियो देख रहे हैं, चीजों सीखने के लिए ही तो देख रहे हैं ना, तो उन चीजों को समझो। मेन अपॉर्चुनिटी थी जो थी आपके लिए वो थी ये। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ट्रेड के पीछे का रीजन क्या है, वो समझने की कोशिश करो भाई। जब मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, एक मोमेंटम मार्केट दे चुका, नोट करो। फिर मार्केट ने बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, एक और मोमेंटम मार्केट दे चुका और ये फ्लो फ्लो में निकल गया। तो यानी कि दो बड़े मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, ये लगभग लगभग 350 से ये कहां चला गया, 600 पार चला गया, लगभग लगभग। यानी कि 250 प्लस पॉइंट का मार्केट मोमेंटम ये कुछ ही मिनटों में दे चुका है। ध्यान दिया कि नहीं? और निफ्टी 50 में मोमेंटम कितने आते हैं, 150, 180, 200 के आसपास, 120 के आसपास, इस तरह के मोमेंटम। तो खुद सोचो, मार्केट एक मोमेंटम प्लान कर रहा है और फिर कोई पॉजिटिव साइड अगर ट्रेड करने की सोच रहा है तो वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है, सोचने वाली बात है कि नहीं? अब इस बेस पे भी ट्रेड नहीं लिया जाता कि मार्केट बहुत भाग गया, नेगेटिव साइड ले लेते हैं, मार्केट गिर जाएगा, इतना नहीं भाग सकता। मैंने आपको कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल दिखाए हैं जहां पे मार्केट ऊपर ही ऊपर चलता जाता है। तो उस थ्योरी के बेस पे भी ट्रेड नहीं लिए जाते, ट्रेड लिए जाते हैं लॉजिक, सेटअप और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। भाई यहां पे बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, बड़ी ग्रीन कैंडल मिल गई, दूर रहो, चलती ट्रेन बन चुकी है। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जब रुकेगी तब इसमें ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। अब ये ट्रेन यहां तक पहुंची, अब ये रिवर्स मार रही है, यहां पे भी ये ट्रेन चली रही है, रुकी नहीं है। इस ट्रेन ये रुकी है यहां पे इसने प्लेटफॉर्म बनाया है। अब हमें इसने एक रेंज दे दी है, रेंज दे दी। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता तो हम पॉजिटिव साइड सोचते, कहां तक, ट्रेडिंग डे हाई तक। अगर इसका ब्रेकडाउन आता तो हमारे लिए और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नीचे लॉजिक है, दो रीजन है, पहले रीजन की बल्कि दो नहीं मैं कहूंगा तीन रीजन है हमारे पास नेगेटिव साइड ट्रेड करने के लिए। पहला रीजन आप देखेंगे, यहां पे मार्केट ने एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है। तो अगर नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन हुआ, आपको पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरा रीजन, यहीं पे आपका मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो भी बना दिया है। अगर नेगेटिव साइड गया तो मार्केट ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देगा, तो आपके लिए ये वाला सेटअप भी बन जाएगा, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला। तीसरा रीजन नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज का, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, मार्केट आपको इसका भी ब्रेकडाउन देगा, तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा। तीन तीन जगह से आपको कंफर्मेशन मिल रहे हैं कि अगर मार्केट इस जोन से नीचे जाता है तो आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बल्कि एक चौथा रीजन भी है, लेकिन मैं उसे यहां पे ऐड नहीं करूंगा, मैं आपको वैसे समझा देता हूं। ये राउंड लेवल से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने सपोर्ट की तरह एक्ट बाउंस किया और फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, तो मार्केट में आपके लिए एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ये देखो मार्केट ने, ये लॉजिक था इसके पीछे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ना तो यहां पे पॉजिटिव साइड जाने के लिए, काफी लोगों ने ट्रेड भी किया होगा और पॉजिटिव साइड पॉइंट भी बनाए होंगे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये विदाउट लॉजिक है। बस सिर्फ वो चलती ट्रेन में घुस रहे हैं, मतलब घुस गए तो घुस गए, ठीक है, चढ़ गए ट्रेन में, नहीं घुस पाए तो उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। समझ में आ गई? लॉजिक होना चाहिए आपकी ट्रेड के पीछे। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
इंट्राडे के लिए अलग सेटअप स्ट्रेटजीज हैं, और स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उस पर अलग सेटअप और स्ट्रेटजीज हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है। आइए फिलहाल आप वापिस यहीं पे आ जाइए। अब यहां पे आप देखेंगे, देखो एक रीजन तो हमारे पास ये आपको पता चली गया, सिंपल प्राइस एक्शन हम देखें, लेकिन हमारा बोलिंजर बैंड भी हमें बहुत सारी चीजें बता रहा है। यहां पे आप देखेंगे इसने क्या बताया, मार्केट बोलिंजर बैंड से बाहर निकल चुका है, और जब जब मार्केट बोलिंजर बैंड से बाहर निकलेगा, मैंने आपको बताई है दो चीजें होगी। पहली, उसे अंदर आना है, अंदर वो दो तरीके से आएगा, या तो वो वहीं पे साइडवेज हो जाएगा, जैसे आप एग्जांपल ये देख सकते हैं, वहीं पे साइडवेज हो गया, बोलिंजर बैंड स्ट्रेच हुआ, ये अंदर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, वो वापस बोलिंजर बैंड में वापस आएगा नेगेटिव मोमेंटम देके। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, जब ये बोलिंजर बैंड से बाहर निकला, देखो आरएसआई ने भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन आरएसआई ने आगे आपको ब्रेकडाउन दे दिया, आरएसआई ने भी आपको एक नेगेटिव साइड इंडिकेशन दे दिया कि नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। साथ के साथ ये बोलिंजर बैंड में भी वापिस आ गया कि नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और किसी ने अगर मेरा स्केल्पिंग वाला कोर्स किया है तो मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ है कि आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, एंट्री कैसे बनानी है, क्योंकि फिर सीधे सीधे आपके लिए सपोर्ट जोन क्या हो जाता है, मिडिल बोलिंजर बैंड, और मार्केट ने इसे अचीव करा के आपको यहां पे दिया है। समझ में आ गई चीजें, क्लियर हो गई। दूसरी चीज पे फोकस करो, अगर आप देखेंगे बाद में जाके ये साइडवेज चला गया, एक रेंज में चला गया, इस रेंज का भी हम डिस्कशन करेंगे। यहां पे आरएसआई भी आपको बता रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, आरएसआई भी आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एक बार हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि बहुत कमाल की चीज है जो कि हमें कल मदद करने वाली है। पहला रीजन अगर आप देखेंगे, ये उसी जोन में रेंज में बना हुआ है और अपल बोलिंजर बैंड से रिजेक्शन ले रहा है, पहली चीज नोट करो। दूसरों, आरएसआई में भी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है वन डे के टाइम फ्रेम पे, यानी कि ये आपको दिखा रहा है कि साइडवेज की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है आरएसआई में कि भाई कोई डायरेक्शन हो, कोई एंगल हो, कि 70 का ब्रेकआउट दे रहा हो, या फिर 50 का ब्रेकडाउन दे रहा हो, या 40 का ब्रेकडाउन दे रहा हो, कुछ भी नहीं है, साइडवेज क्लियर क्लियर बता रहा है। यानी कि जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक आपको नेगेटिव साइड मूव नहीं मिल सकता। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो कहीं ना कहीं मिडिल बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेने की ये कोशिश करेगा, ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। आइए कुछ और चीजों पे भी हम फोकस करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, यहां पे मैंने एक पॉइंट मार्क करके रखा हुआ है 25,469, जो कि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी मार्केट ने देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, और यहां से आपको मार्केट में सप्लाई आती हुई भी दिखाई दी थी। सप्लाई और डिमांड जोन पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना कि सप्लाई जोन क्या होते हैं या डिमांड जोन क्या होते हैं, और वो किस तरीके से ट्रेडिंग में मदद करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहां से मार्केट में सप्लाई भी आई हुई है, तो आप इस जोन को भी मार्क करो। दूसरा, ब्रेकआउट मिलने के बाद इस जोन ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद इस जोन ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, तो इस जोन का ब्रेकआउट होना जरूरी है 25,469। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस जोन में हो सकता है 25,525 के अराउंड। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। ठीक वैसे ही अगर सिंपल प्राइस एक्शन से हम समझे, अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है मार्केट में, तो उस सिचुएशन पे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां रहेगी, प्रीवियस डे लो पे। क्या ये पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है? बिल्कुल, पहले भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट रहा है, सपोर्ट के रूप में एक्ट किया है इसने, ब्रेकडाउन मिलने के बाद इसने रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया है, फिर से ब्रेकआउट मिलने के बाद ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। अगर नेगेटिव साइड मोमेंटम देता है तो नीचे सपोर्ट है 25,376 का, तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तभी आप नेगेटिव साइड कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो आप शांति से बैठे रहेंगे, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कहीं ना कहीं जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी 25,325 के अराउंड बन सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला जो 18 का डेलो है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है।
ये तो हो गया सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन का डिस्कशन। यहां पे हम बाद में भी आएंगे क्योंकि अभी मैं आपको लेके चलता हूं पैवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिन निफ्टी को भी समझेंगे। यहां पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के दौरान हम बाद में यहां पे आके डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले सिंपल पैवट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 25,500 के अराउंड है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर यहां पे हम दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें 25,578 के अराउंड हो सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, ये 25,677 के अराउंड आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पर अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन पे जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये 25,382 के अराउंड हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 25,306 के अराउंड हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 25,221 के अराउंड आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन बनी तो ध्यान से देखो, अगर गैप अप ओपन होता है तब आप फोकस करेंगे इस वाले जोन पे, यानी कि 25,469। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो आपके लिए ऊपर की तरफ मोमेंटम यही रहने वाले, नहीं तो आप पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्स प्लान करने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना, तब मार्केट प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम सिचुएशन को अपोजिट कर दे, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एरिया से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, तो हमारा फोकस इसी जोन पे हो जाएगा। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। ये सेटअप आपके लिए काम कर सकता है। नहीं जानते इस सेटअप के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगर मार्केट ने बाउंस किया तो मार्केट इसी एरिया पे वापस रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले भी जब यहां से बाउंस कर रहा है यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए यहीं पे ये बनने वाला है। आइए एक नजर फिन निफ्टी पे भी डालते हैं। फिन निफ्टी पे अगर आप फोकस करेंगे, जैसे यहां पे भी आप देखेंगे ये बोलिंजर बैंड से बाहर निकला हुआ था, फिर वापस अंदर आ गया और सपोर्ट कहां पे लिया इसने, मिडिल बोलिंजर बैंड पे। तो नेगेटिव साइड आपके लिए ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। साथ के साथ बाद में देखेंगे साइडवेज होता हुआ आपको दिखाई दिया, और RSI भी आप यहां पे देखेंगे, RSI भी आपको साइडवेज जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस इस पे नहीं है, यहां से मैं इन्हें रिमूव कर देता हूं। हमारा मेन फोकस है इसे समझने पे। यहां पे एक रेंज बनी हुई थी, इस रेंज का ब्रेकआउट आया, मोमेंटम काफी बेहतरीन आया, उसके बाद भी 19 को भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आपको एक रिवर्सल प्लान करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। काफी लोगों के मन में यही कंफ्यूजन रहता है, क्या मार्केट यहां से नेगेटिव साइड चलना शुरू हो गया है? भाई नेगेटिव साइड आप तब मान के चल सकते हैं अगर 18 की डे क्लोजिंग जो है इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया तब आप नेगेटिव साइड मोमेंटम मान के चल सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन पे जो ये 13, 16 और 17 को एक रेंज मार्केट ने बनाई है, ये रेंज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर मार्केट इस रेंज में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट के पास ये काफी बड़ा एरिया है, यहां से आपको देखेंगे क्विक मोमेंटम मार्केट में आया है। फिर मार्केट के लिए जो रोक के रख सकता है मार्केट को, वो यही वाला जोन है जो मार्केट को रोक के रख सकता है, और यहीं पे राउंड लेवल भी है 24,000 वाला। लेकिन अगर मार्केट यहां पे एक बाउंस मारता है या आपको पॉजिटिव साइड मार्केट कोशिश करता है, तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये 24,500 राउंड लेवल के पास में। इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। इस सिनेरियो को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, एक बात और नोट करना, अब जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं यहां पर काफी बेहतरीन क्विक मोमेंटम आया था, यहां पर आपको मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग देके एक क्विक मोमेंटम प्लान कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इस दिन भी तेजी आ गई
यहां पे भी तेजी आ गई, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी फिर से तेजी आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन वाला वीडियो प्रोवाइड किया था, चैनल पे मिल जाएगा आपको, इस वीडियो के एंड में भी मैं लगाने की कोशिश करूंगा, लगा दूंगा, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन वाला वीडियो मिल जाएगा, उसे जरूर जाके देखना। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।